किसी होम थिएटर सिस्टम को खरीदना बहुत आसान है लेकिन उसके ऑडियो सिग्नेचर को उसके खरीदने से पहले समझ पाना उतना ही ज्यादा मुश्किल आपको पसंद है पहले ऑडियो सिग्नेचर को ना समझ पाने की गलती है और इसी का सोल्यूशन मैं आपको आज के वीडियो में देने जा रहा हूं हेलो दोस्तों वेलकम टू माई चैनल वी मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको बताऊंगा बेस्ट होम थिएटर सिस्टम्स दैट यू कैन बाय इन इंडिया इन ट्वेंटी दोस्तों अंडर टेन थाउजेंड की रेंज में मैंने आज तक 50 सिस्टम्स को अप्रोक्सीमेटली टेस्ट किया होगा लेकिन उनमें से मैं 30 सिस्टम्स का जिक्र भी नहीं करता क्योंकि वो रेकमेंड करने लायक ही नहीं है और जिन सिस्टम्स को मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं मैं उनके क्लोजेस्ट कॉम्पिटेटर्स के बारे में भी आपको बताऊंगा ताकि आपको यह पता चले कि मैंने किस सिस्टम के साथ इन्हें कंपेयर करके इन्हें विनर घोषित किया है और इन सभी सिस्टम्स के मैं आपको ऑडियो टेस्ट भी सुनाऊंगा लेकिन वो कॉपीराइट फ्री सॉन्ग्स के होंगे लेकिन इन सभी सिस्टम्स में मैंने तीन कॉमन सॉन्ग्स रिकॉर्ड करे हैं वो तीनों अलग अलग जॉनरा के सॉन्ग्स हैं मैंने सेम माइक सभी सिस्टम्स की रिकॉर्डिंग के लिए यूज किया है उस माइक को सेम डिस्टेंस पे रखा है सभी सिस्टम्स में 75 परसेंट वॉल्यूम को रखा गया है बेस और ट्रेबल को मैक्सिमम करा गया है क्योंकि यही सही तरीका होता है किसी भी सिस्टम की ऑडियो टेस्ट को रिकॉर्ड करने का और इन सभी सिस्टम्स में स्पीकर्स के बर्न इन पीरियड को पहले खत्म करा गया है उसके बाद ये रिकॉर्डिंग करी गई है जिससे आपको प्रॉपर ऑडियो टेस्ट सुनने को मिले और इन सभी ऑडियो टेस्ट को मैंने अपनी ड्राइव पे अपलोड करके उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर ऊपर आपको दिया है आप उसे डाउनलोड करें और जिस भी सिस्टम की ऑडियो टेस्ट को सुनने में आप इंटरेस्टेड हैं आप उसे सुनिए आपको हर सॉन्ग के अंदर जो कि अलग अलग जॉनरा के हैं इन सिस्टम्स की ऑडियो क्वालिटी का सही पता चलेगा उससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए बेस्ट सिस्टम कौन सा है उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए गए लिंक से खरीदें आप अगर मेरे अफिलियट लिंक से कुछ भी खरीदते हैं तो बिना आपके प्राइस को जरा सा भी चेंज करे हुए इस चैनल की फाइनेंशियली बहुत ज्यादा मदद होती है जिससे हम इस चैनल को चला पाते हैं इन सिस्टम्स को खरीद पाते हैं और आपके लिए ऐसा कंटेंट ला पाते हैं एंड दोस्तों हम इस चैनल पे किसी टाइप का स्पॉन्सर्ड कंटेंट चलाते ही नहीं है आपकी सपोर्ट हम हमेशा से अप्रिशिएट करते आए हैं और आगे भी बहुत अप्रिशिएट करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या आपको एक साउंड बार लेनी चाहिए या फिर एक होम थिएटर अगर आपने सिर्फ अपनी टीवी की ऑडियो को थोड़ा सा इनहैंस करना है तो आपके लिए होम थिएटर या फिर 2.1 की जरूरत नहीं है तो आप एक अच्छी साउंड बार लें एंड मोस्ट लाइकली एक बजट साउंड बार लेके भी आपका गुजारा चल सकता है लेकिन अगर आप म्यूजिक सुनना चाहते हैं उसे एंजॉय करना चाहते हैं और अपने टीवी के साथ एक अच्छा सिस्टम चाहते हैं तो इस वीडियो में जो मैं आपको सिस्टम्स बता रहा हूं उनमें से एक लीजिए एंड यू विल एंजॉय इट किसी भी होम थिएटर सिस्टम को लेते समय आपको उसकी कनेक्टिविटी ऑप्शंस को पहले चेक करके अपने टीवी के साथ मैच करके देखना चाहिए आपके टीवी के अंदर मिनिमम ब्लूटूथ 4.2 या फिर ऑक्स या फिर आरसीए इनपुट होना चाहिए जिससे आप अपने होम थिएटर सिस्टम को कनेक्ट कर पाएंगे एक और बात आप इन बजट होम थिएटर सिस्टम्स में से डॉल्बी डिकोडिंग बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें आपको ज्यादा से ज्यादा स्टीरियो ऑडियो ही मिलेगी एंड वो ही बेस्ट होती है डॉल्बी आपको डिकोडिंग सिर्फ मिलेगी साउंड बार्स में से और उनमें आपको ऐसी ऑडियो कभी भी नहीं मिल सकती जो आपको 2.1 या फिर एक अच्छा होम थिएटर सिस्टम दे सकता है और ऐसे ऑडियो फॉर्मेट्स जैसे डॉल्बी डिजिटल डॉल्बी ऑडियो डी टी एस एक्स या फिर डॉल्बी एटमोस को एंजॉय करने के लिए आपको एक प्रॉपर महंगा होम थिएटर सिस्टम लेना पड़ेगा जो अप्रॉक्सीमेटली फोर्टी थाउजेंड एंड अबव कॉस्ट करेगा ऐसे सिस्टम्स के साथ आपको उनकी करेक्ट स्पीकर प्लेसमेंट भी करनी पड़ेगी और रूम में वैसे अकूस्टिक्स भी होने चाहिए जिनसे आप उन ऑडियो फॉर्मेट्स को प्रॉपरली एंजॉय कर पाएँ इन सिस्टम्स में आपको स्टीरियो ऑडियो मिलेगा एंड दैट विल बी सबसे ज्यादा जो मुझे ऑडियो सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनमें एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन होता है वो होता है सराउंड साउंड का दोस्तों इन सिस्टम्स में आपको सराउंड साउंड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा इस बात का ख्याल रखें कि सराउंड चैनल्स जो आपको ऑडियो देते हैं वो सराउंड साउंड नहीं होती वो सिर्फ एक ऑडियो होती है जिससे आपको वर्चुअली ऐसा लगता है कि चारों तरफ से आवाज आ रही है लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रॉपर सराउंड साउंड सिस्टम अप्रॉक्सीमेटली टू लाख रुपीज से ऊपर का कॉस्ट करता है एक अच्छे सिस्टम को खरीदने से पहले आपको उसके ऑडियो सिग्नेचर को जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है आपकी पसंद कुछ और हो सकती है और मैन्युफैक्चरर ने उसे किसी और ऑडियो सिग्नेचर के लिए डिजाइन करा होगा इस बात का ख्याल रखें जैसे आपको एक हैवी बेस साउंड सिग्नेचर चाहिए या ऑडियो सिग्नेचर चाहिए तो आप ऐसे ही ऑडियो सिग्नेचर वाला सिस्टम खरीदें एक गलत ऑडियो सिग्नेचर वाला सिस्टम खरीदने के बाद आप अगर सोचते हैं कि उसमें आप कोई स्पीकर या सबवूफर अटैच कर पाएंगे दैट इज इम्पॉसिबल दोस्तों हर साइज के अंदर मैं आपको दो ऑप्शन देने जा रहा हूं ताकि आप जिस टाइप का भी ऑडियो सिग्नेचर पसंद करते हैं आप उसी टाइप का सिस्टम अपने लिए खरीदें और अंडर 4000 के अंदर मैं आपको पहली दो ऑप्शंस बताता हूं इंफिनिटी हार्ड रॉक और ओबेज 303 और इसमें क्लियर विनर है ओबेज 303 मॉडल ओबेज 303 जीरो थ्री ए एम एम वुड की कैबिनेट के, के साथ आता है और उसके अंदर आपको छोटे से दो सैटेलाइट स्पीकर भी देखने को मिलेंगे इसके फ्रंट पे आपको एक एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिलेगा जिसमें आपको कनेक्टिविटी ऑप्शन भी देखने को मिलेंगी और इसके साइड में भी आपको देखने को मिलेंगी। विद बेस, ट्रेबल, और साथ में आपको ऑफ स्विच भी देखने को मिलेगा बॉक्स के अंदर आपको ऑक्स टू ऑक्स ऑक्स टू आर सी एरसी टू आर सी केबल देखने को मिलेगी और साथ में मिलेगा ये रिमोट कंट्रोल विदाउट बैटरीज बात करें रिमोट कंट्रोल की तो ओबेज के सभी सिस्टम्स में आपको ऐसा ही रिमोट कंट्रोल देखने को मिलता है जो कि फुल्ली फंक्शनल नहीं है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं है दोस्तों ओबेज 303 और जीरो हार्ड रॉक के बीच में कंपैरिजन वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं जिसे आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं इस सिस्टम में आपको 3 इंच और 10 वॉट के दो फुल रेंज सैटेलाइट स्पीकर्स मिलते हैं और साथ में 5.25 इंच और 30 वॉट का सबवूफर देखने को मिलता है इस सिस्टम की एस है 80 डेसिबल्स और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है 50 हर्ट से लेके 15 किलो हर्ट और इस सिस्टम का टोटल आउटपुट बनता है 50 वॉट ये सिस्टम 9.5 पॉइंट फाइव वे करता है और कनेक्टिविटी ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको यूएसबी एस कार्ड ऑक्स और एफ रेडियो की ऑप्शन देखने को मिलेगी ब्लूटूथ फाइव के साथ और अगर हम साउंड स्टेज की बात करें तो इसके अंदर आपको साउंड स्टेज मिलता है 3.5 पॉइंट मीटर्स का विच इज अ फेंटेस्टिक थिंग चलिए अब करते हैं ओबेज 303 का एक ऑडियो टेस्ट याद रखिएगा कि इन सभी सिस्टम्स के ऑडियो सैंपल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में भी मिलेंगे वेरी दोस्तों वो ऐसी होती है जो एक्चुअल बेस मानी जाती है और एक होती है अपर बेस अपर बेस को कहा जाता है फेक बेस इन द म्यूजिक इंडस्ट्री आपको इस सिस्टम के अंदर फेक बेस बहुत ही बैलेंस्ड मिलती है और एक्चुअल बेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलती है और ये सबसे बड़ा प्रो है इस सिस्टम का इस सिस्टम के अंदर आपको मिड्स और हाईज बहुत ही शानदार देखने को मिलते हैं एंड आई एम सरप्राइज की ट्यूनिंग कैसे करी गई है मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस सिस्टम के अंदर ऐसी ट्यूनिंग करना जिसमें आपको लोअर बेस बहुत अच्छी अपर बेस बहुत ही ज्यादा फ्लैट और उसके बाद मिड्स और हाइज बहुत ही ज्यादा अच्छे मिलते हैं यह एक बहुत बड़ा कमाल है इस सिस्टम को अगर आप टीवी के साथ कनेक्ट करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छी ऑडियो सुनाई देगी और ऑडियो के साथ साथ आपको डायलॉग सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यह एक सबसे बड़ा प्रो है इस सिस्टम का अक्सर हमने यह देखा है कि सिस्टम्स को जब हम टीवी के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसमें हमें डायलॉग सुनने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसमें बेस बहुत ज्यादा होती है और वो प्रॉब्लम होती है अपर बेस ज्यादा होने की अपर बेस जैसे मैंने आपको बताया फेक बेस होती है वो आपको भूमि साउंड बहुत ज्यादा देगी लेकिन लोअर बेस आपको फील ज्यादा होगी आपको जब बेस आएगी तो वो फील होगी एंड यू विल फील इट फ्रॉम ग्राउंड अप दैट इज कॉल्ड एक्चुअल बेस और वही इस सिस्टम के अंदर आपको बहुत शानदार देखने को मिलती है ऑडियो सिग्नेचर आपको मैं अगर डिफाइन करूं तो इसके अंदर स्लाइटली हैवी बेस एंड अ वेरी मेलोडियस ऑडियो सिग्नेचर आपको इस सिस्टम के अंदर देखने को मिलेगा लेकिन अब एक छोटे से कॉन के बारे में बात करते हैं इस सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा लाउडनेस आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि इसके जो ड्राइवर्स हैं वो थोड़े छोटे हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर बहुत कमाल की करी गई है लेकिन अगेन आई वुड से ड्राइवर थोड़े छोटे होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा आउटपुट देखने को नहीं मिलता इफ यू हैव अ रूम लेस देन 200 हंड्रेड स्क्वायर फीट्स फिर आप इस सिस्टम को लीजिए फोर थाउजेंड रुपीज इज द प्राइस और ये एक बहुत शानदार सिस्टम है इस प्राइस रेंज में इसके लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं हाँ, एक चीज आपको बताना भूल गया कि इसके वॉल माउंटिंग ऑप्शन जो आप अपनी स्क्रीन पे इस समय देख पा रहे होंगे वो बहुत ही शानदार क्वालिटी के नहीं है आप देखेंगे कि मेरे यूनिट के अंदर टेढ़ा वॉल माउंट लगा है विच इज नॉट अ वेरी गुड थिंग आई थिंक ओबेज को अपनी इस क्वालिटी को थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से कंट्रोल करना चाहिए अदरवाइज आई डोंट सी एनी फ्लॉ इन द सिस्टम अंडर फोर के अंदर मेरी दूसरी ऑप्शन है बोट ब्लेट्स और ओबेज डीटी21 एंड इसमें भी क्लियर विनर है ओबेज डीटी21 ओबेज डीटी21 के अंदर भी आपको प्रॉपर वुडन एनक्लोजर देखने को मिलता है विच इज अ वेरी गुड थिंग इसके फ्रंट पे आपको एक स्पीकर मिलेगा और एयर वेंट मिलेगा और दोनों ही टावर्स के साइड पे आपको एक सबवूफर देखने को मिलेगा इन दोनों में से एक्टिव टावर के फ्रंट पे आपको एक एलसीडी डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा जिसमें आपको कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगी और आपकी इनपुट ऑप्शंस डिस्प्ले पे भी आएंगी और इसी टावर के पीछे आपको पैसिव टावर को कनेक्ट करने के लिए इनपुट ऑप्शंस देखने को मिलेंगी ऑन ऑफ स्विच मिलेगा और एक बेस कंट्रोल नॉब भी देखने को मिलेगी ऑल इन ऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है डीटी21 के बॉक्स में आपको ऑक्स टू ऑक्स केबल ऑक्स टू आरसीए केबल और RCA टू RCA केबल भी साथ में देखने को मिलेगी इस रिमोट कंट्रोल के साथ जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रिमोट कंट्रोल के अंदर आपको पूरे कंट्रोल्स देखने को नहीं मिलेंगे यानी बेस और ट्रेबल कंट्रोल इनमें नहीं है DT21 के अंदर आपको 3 इंच और 5 वॉट के दो फुल रेंज स्पीकर्स मिलते हैं और 4 इंच और 20 वॉट के दो सबवूफर यूनिट्स मिलते हैं हर टावर में इस सिस्टम का एसएनआर है 80 डेसिबल और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है 50 हर्ट्ज से लेके 15 किलो हर्ट्ज तक का और इस सिस्टम का टोटल आउटपुट बनता है 50 वॉट्स। DT21 वे करता है 8 केजीज और इसकी कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो इसमें आपको यूएसबी एसडी कार्ड ऑक्स एफएम रेडियो और ब्लूटूथ की सपोर्ट देखने को मिलेगी और उसका वर्जन है 5.0 टी टी ट्वेंटी वन का साउंड स्टेज बहुत अच्छा है टू पॉइंट फाइव मीटर्स एंड आई थिंक इट इज वेरी गुड फॉर दिस साइज ऑफ टावर्स और अब बारी आ, आ रही है टी टी ट्वेंटी वन के ऑडियो टेस्ट की सभी ऑडियो टेस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं आप उन्हें वहां पे भी डाउनलोड करके सुन सकते हैं अब बात करते हैं डी टी ऑडियो सिग्नेचर के बारे में डी टी द मोस्ट बैलेंस सिस्टम जो आपको इस प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा इसके अंदर आपको परफेक्टली बैलेंस्ड बेस मिड्स और हाई सुनने को मिलेंगी और मिड्स यानी वोकल्स के बारे में आपको एक स्पेशल बात बताता हूं वोकल्स जो होते हैं जो हैवी वोकल्स होते हैं उनके अंदर एक क्रिस्पनेस होती है क्रिस्पनेस को हिंदी में अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो सॉर्ट sort ऑफ of खराश जो आवाज की खराश है वो आपको इस सिस्टम में सुनने को मिलेगी और ये एक बहुत ही शानदार बात है इतनी डिटेल अगर आपको ये सिस्टम दे रहा है इमेजिन द काइंड ऑफ ट्यूनिंग जो इस सिस्टम में करी गई है बहुत ही शानदार ट्यूनिंग और पावर डिलीवरी इस सिस्टम के अंदर बेस मिड्स और हाइज के अंदर बहुत ही परफेक्टली ट्यून करी गई है अगर आप हेवी बेस ऑडियो सिग्नेचर पसंद करते हैं तो यह सिस्टम आपके लिए परफेक्ट नहीं है आप इसके अंदर परफेक्टली बैलेंस्ड ऑडियो सिग्नेचर देखेंगे आपको ऐसा ऑडियो सिग्नेचर सुनने में बहुत लंबे टाइम तक प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन हेवी बेस ऑडियो सिग्नेचर को आप बहुत लंबे टाइम तक रेगुलरली सुन नहीं सकते इस बात का ख्याल रखिएगा और अगर आप ऐसा ऑडियो सिग्नेचर चाहते हैं तो इसके लिंक्स दिए हैं मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे जरूर चेक करिए अब बात करते हैं बेस्ट होम थिएटर इन इंडिया 2021 के अंडर 7000 सिस्टम्स की और उसके अंदर कंटेन्डर्स हैं Panasonic HT21 और Philips 8085B और इसके अंदर क्लियर विनर है पैनासोनिक एच टी ट्वेंटी आपको सब यूनिट और टॉल बॉय स्टाइल स्पीकर देखने को मिलते हैं ये टॉल बॉय स्पीकर प्लास्टिक के बने हैं और सब यूनिट वुड और प्लास्टिक के कॉम्बिनेशन का बना है इन टॉल बॉय यूनिट्स को आप माउंट भी कर सकते हैं और इनके पीछे वो ऑप्शन दी गई है पैनासोनिक के इस सब यूनिट के फ्रंट में आपको एक एलईडी लाइट देखने को मिलेगी लेकिन किसी टाइप का डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा विच इज नॉट अ वेरी गुड थिंग और इस सब के ऊपर यानी टॉप पे आपको एक सर्कुलर जॉग डायल देखने को मिलेगा जो कि बेसिकली प्लस या माइनस करने के काम आएगा चाहे वो वॉल्यूम हो बेस हो या फिर ट्रेबल पैनासोनिक एच टी की कनेक्टिविटी ऑप्शन आपको इस सब के साइड में और पीछे देखने को मिलती है विद ऑन ऑफ स्विच के के इस सिस्टम साथ आपको टू टू और ऑक्स ऑक्स केबल भी साथ में देखने को मिलेगी और उसके साथ मिलेगा आपको ये रिमोट कंट्रोल जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा ओवरऑल अगर मैं कहूं तो इस सिस्टम की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा शानदार नहीं है लेकिन दिखने में ये सिस्टम बुरा नहीं लगता एक कमी जो आपको इस सिस्टम में देखने को मिलेगी वो ये है कि इसमें कोई डिस्प्ले नहीं है Panasonic HT21 के अंदर आपको 3 इंच के चार फुल रेंज ड्राइवर्स मिलते हैं और उनका टोटल आउटपुट है 12.5 वॉट ईच टावर और इसमें आपको 6.5 इंच और 40 वॉट का एक सब सबवूफर भी मिलता है और HT21 का SNR है 80 डेसिबल्स इस सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है 40 हर्ट से लेके 20 किलो हर्ट्ज व्हिच इज वेरी इंप्रेसिव ऑन पेपर इस सिस्टम की सेपरेशन बताई गई है मोर देन इक्वल टू 45 फाइव और इंपीडेंस बताई गई है 8 ओम और ये टोटल आउटपुट बनता है 65 फाइव वॉट पैनासोनिक का ये सिस्टम 11 के वे करता है और इसके अंदर आपको ऑक्स आरसीए, यूएसबी और ब्लूटूथ 4.2 की सपोर्ट देखने को मिलेगी और पैनासोनिक एच टी ट्वेंटी वन वाइड साउंड इज गुड बट इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है जो हम इस ऑडियो टेस्ट से चेक करते हैं याद रखिएगा दोस्तों इस सिस्टम के भी ऑडियो टेस्ट मैंने करे हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे उस लिंक को डाउनलोड करके इसके ऑडियो टेस्ट को जरूर सुनिएगा पेनासोनिक के इस सिस्टम के अंदर आपको एक ऐसा ऑडियो सिग्नेचर मिलता है जो हैवी बेस ऑडियो सिग्नेचर है इसके अंदर अगर आप एक हैवी बेस ऑडियो सिग्नेचर पसंद करते हैं तो आपको इसके अंदर वो सब कुछ मिलेगा जो आप देखना चाहते हैं हैवी बेस स्टार्टिंग फ्रॉम लेट्स से फाइव और सिक्स परसेंट वॉल्यूम और ये बहुत अच्छी बात है आपको कम वॉल्यूम के अंदर भी ज्यादा बेस सुनने को मिलती है और ज्यादा वॉल्यूम के अंदर उतनी ही ज्यादा प्रोपोर्शन से बेस नहीं बढ़ती यह सबसे अच्छी बात है देखिए अगर आप फाइव वॉल्यूम पे इस सिस्टम को सुनेंगे और आपको लेट्स से इतनी बेस मिल रही है और उसके हिसाब से प्रोपोर्शन अगर बढ़ती गई बेस की तो एक टाइम आएगा मैक्सिमम वॉल्यूम पे आपको बेस ही बेस सुनाई देगी बाकी और कुछ सुनाई नहीं देगा ऐसा इस सिस्टम में नहीं होता विच इज अ वेरी गुड थिंग लेकिन एक प्रॉब्लम है इस इस सिस्टम सिस्टम की की जो आपको पता होनी चाहिए जब आप इस की बेस को मैक्सिमम करके फुल वॉल्यूम तक जाते हैं तो आपको थोड़ी सी डिस्टॉर्शन इस सिस्टम में देखने को मिलेगी वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है डिस्टॉर्शन भी बहुत ज्यादा नहीं है ये एक अच्छी बात है और इस सिस्टम के अंदर मिड्स और हाइज के अंदर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा गया है यह एक और अच्छी बात है ओवरऑल अगर आप साउंड सिग्नेचर देखेंगे तो आपको म्यूजिक के लिए सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा स्पेशली पंजाबी एंड हार्ड रॉक सॉन्ग्स उसके अंदर यह सिस्टम बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म करेगा कवाली लिसनर्स डू नॉट बाय दिस सिस्टम इसमें आपको बहुत ज्यादा बूमी म्यूजिक सुनने को मिलेगा और वो शायद आपको पसंद नहीं आएगा ऑडियो सेपरेशन इसकी अच्छी है आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स इससे सुनाई देंगे ये एक अच्छी बात है लेकिन एज आई सेड इसके अंदर बेस थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है मैक्सिमम वॉल्यूम पे इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा रेकमेंड करूंगा कि अगर आप यह सिस्टम खरीद रहे हैं तो आप सेवेंटी परसेंट या सेवेंटी फाइव परसेंट बेस रखें और उसके बाद इसे प्ले करें किसी भी वॉल्यूम पे इट विल परफॉर्म फेंटेस्टिक अब पैनासोनिक के सिस्टम के कॉन्स की बात करें कौन मेरे हाथ में ही है और वो है ये रिमोट कंट्रोल इस सिस्टम का रिमोट कंट्रोल निहायती बेकार रिमोट कंट्रोल है और उसके अंदर आपको किसी टाइप के अच्छे फंक्शन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए स्पेशली ये इक्वलाइजर बटन जो आप अपनी स्क्रीन पे इस समय देख सकते हैं उसे प्रेस करने पे किसी टाइप का कोई भी फंक्शन प्ले होता ही नहीं यानी इक्वलाइजर का काम ये है कि बेस और ट्रेबल का कंट्रोल आपको दे वो कंट्रोल आप रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट कर ही नहीं सकते आपको उसके लिए सिस्टम तक जाना होगा और उसका मोड बटन जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप वॉल्यूम बेस और ट्रेबल को कंट्रोल कर पाएंगे इस रोटेटिंग डायल की मदद से और वो आप रिमोट से कंट्रोल नहीं कर सकते जबकि उसका बटन दिया गया है एंड दैट इज अ बैड थिंग तो इस सिस्टम को अगर आप खरीदे तो यह समझ के चलिएगा कि रिमोट कंट्रोल आपके लिए सिर्फ मोड चेंज करने के लिए और वॉल्यूम प्लस या माइनस करने के लिए दिया गया है एंड यस यू कैन पावर ऑन एंड ऑफ दिस सिस्टम फ्रॉम द रिमोट कंट्रोल तो क्या आपको यह सिस्टम लेना चाहिए एब्सोल्यूटली क्योंकि रिमोट कंट्रोल के अच्छे या बुरे होने की वजह से आप यह डिसाइड नहीं करते कि ऑडियो सिस्टम अच्छा है या बुरा है रिमोट कंट्रोल को भूल जाइए

ओबेज एच टी वन डबल फोर ओबेज वन फोर्टी फोर डार्क लुक के साथ आता है और ये प्योर वुड का बना है विच इज वेरी गुड और इसके अंदर एट एम mm की वुड का इस्तेमाल करा गया है जो कि इस सिस्टम को बहुत ज्यादा स्टर्डी और हेवी भी बनाती है वुड की ज्यादा अच्छी क्वालिटी ये इंश्योर करती है कि स्पीकर्स उस कैबिनेट में से आवाज बहुत अच्छी प्रोड्यूस कर रहे हैं और वही आपको देखने को मिलता है एच टी में भी इस सिस्टम की सारी कनेक्टिविटी ऑप्शन आपको सब वोफर की बैक साइड पे देखने को मिलेंगी और उसके साथ आपको बेस ट्रेबल और वॉल्यूम कंट्रोल की नॉब्स भी देखने को मिलेंगी सब वोफर के फ्रंट पे आपको एक एल पैनल देखने को मिलता है और उसमें भी आपको कुछ कनेक्टिविटी ऑप्शन देखने को मिलेंगी और इसमें कनेक्टिविटी ऑप्शन डिस्प्ले भी होंगी सबसे अच्छे हैं इसके सैटेलाइट यूनिट्स जो कि स्पीकर और ट्विटर के साथ आते हैं और इनके अंदर भी अच्छी वुड का इस्तेमाल करा गया है और एक खास बात इन सैटेलाइट स्पीकर्स की ये है कि आपको इसके अंदर कनेक्टिंग वायर 2.5 मीटर्स की मिलती है और ये क्यों मिलती है इसका मतलब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा इन अ नट शेल अगर मैं कहना चाहूं तो इस सिस्टम की बिल्ड क्वालिटी इज टॉप नॉच ओबेज एच डी के साथ आपको एक आरसीए टू आरसीए ऑक्स टू आरसीए और एक ऑक्स टू ऑक्स केबल साथ में देखने को मिलेगी और उसके साथ आपको मिलेगा ये रिमोट कंट्रोल। ये रिमोट कंट्रोल फंक्शनल नहीं है और बिना बैटरीज ओबेज एच डी वन फोर्टी के अंदर आपको फोर इंच और एट ओम्स के मिड रेंज दो स्पीकर मिलेंगे 2.5 इंच और 8 ओम्स के, के दो पेपरकोन ट्विटर मिलेंगे और इनका टोटल आउटपुट है 20 वॉट पर सैटेलाइट और साथ में आपको मिलता है 6.5 इंच और 4 ओम्स का 60 वॉट का सब वूफर. ये टोटल आउटपुट बनता है, 100 और इस की है 40 हर्ट से लेके 17 किलो हर्ट. इसकी भी बहुत अच्छी है ग्रेटर देन इक्वल टू 42 टू और एस एन आर है एसिबल्स एच टी वन वे करता है 12 के और कनेक्टिविटी ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो इस सिस्टम में आपको एक ऑप्टिकल पोर्ट देखने को मिलता है इसका मतलब आप इस सिस्टम को अपने स्मार्ट टीवी से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं उसके अलावा आपको ऑक्स, यूएसबी, कार्ड और ब्लूटूथ की सपोर्ट आता है सबसे वर्जन है एच डी वन फोर्टी फोर का साउंड स्टेज जो कि है फाइव मीटर्स चलिए अब इस ओबेज सिस्टम का ऑडियो टेस्ट करते हैं और देखते हैं की कैसी ऑडियो प्रोड्यूस करता है रखिए दोस्तों इस ओबेज के सिस्टम के भी आपको ऑडियो टेस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे उन्हें जरूर सुनिएगा मैंने अपने HD 144 के वीडियो के अंदर भी यही बात बोली है कि ये एक अंडर प्राइस सिस्टम है ओबेज कंपनी अगर आप ये बात सुन रहे हैं तो इस सिस्टम का प्राइस रेज मत करिएगा वरना मुझे कमेंट सेक्शन में यही बात सुनने को मिलेगी कि ओबेज इस सिस्टम का प्राइस रेज करेगा दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स जो आप टेन थाउजेंड तक भी खरीदेंगे तो भी आपको ऐसा ऑडियो सिग्नेचर देखने को नहीं मिलेगा इस ऑडियो सिग्नेचर को मैं बोलूंगा द मोस्ट फ्लैट ऑडियो सिग्नेचर इसके अंदर आपको कुछ भी ज्यादा नहीं मिलेगा बेस मिड्स ट्रेबल यानी हाइज आपको सब कुछ फ्लैट ऑडियो सिग्नेचर मिलेगा ऑलमोस्ट इस तरीके का ऑडियो सिग्नेचर एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस साउंड सिस्टम फ्लैट ऑडियो सिस्टम के अलावा भी 144 के अंदर एक बहुत बड़ी खूबी है यानी एक प्रो है जो मैं आपको अब आप बताता हूं इस कैबिनेट का साइज देखिए इतने बड़े साइज के अंदर 6.5 इंच का सब लगाया गया है यानी इस सब को प्रॉपर स्पेस मिल रही है एक्चुअल बेस प्रोड्यूस करने के लिए यह एक बहुत बड़ी बात है और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस सिस्टम का साउंड स्टेज साउंड स्टेज का मतलब भी आपको समझाता हूं जो दोनों स्पीकर चैनल्स हैं उनकी जो वायर्स हैं उनकी लेंथ आपको मिलती है 2.5 मीटर इसका मतलब हुआ कि आप अगर फर को सेंटर में रखें और दोनों स्पीकर चैनल्स को 2.5 मीटर और 2.5 मीटर दूर रखें तो आपको 5 मीटर तक का साउंड स्टेज मिलेगा यानी जो स्पीकर से आवाज आएगी वो सब के आवाज के साथ प्रॉपरली इंटीग्रेटेड होगी और आपको अलग अलग नहीं बल्कि एक ही म्यूजिक सुनाई देगा ये एक बहुत बड़ी चीज है इस प्राइस रेंज के किसी भी सिस्टम में होना एंड ये एक बहुत बड़ा प्रो है इस सिस्टम का तो वाइडर साउंड स्टेज के फायदे क्या है दोस्तों फायदा उसका यह है कि जब आप इस सिस्टम को अपने टीवी के साथ कनेक्ट करेंगे और इन स्पीकर्स को दूर यानी कॉर्नर्स में अपने रूम में लगाएंगे उससे आपको प्रॉपर होम थिएटर वाली फील सुनने को मिलेगी ऐसा साउंड सिग्नेचर आपको इन स्पीकर्स को साथ में रखने के नहीं मिलेगा एंड दैट इज अ डिफरेंट साउंड सिग्नेचर ये एक बहुत बड़ी बात है आप जब इन्हें इस तरह से रख के सुनेंगे तो आपको एक अलग साउंड सिग्नेचर मिलेगा वो भी फ्लैट होगा और जब इन्हें दूर रख के सुनेंगे तो एक आपको अलग साउंड सिग्नेचर मिलेगा वो एक सॉर्ट ऑफ ऑडिटोरियम टाइप का आपको साउंड सिग्नेचर सुनने को मिलेगा वो एक अलग ही मजेदार एक्सपीरियंस है अब इस सिस्टम के थोड़े कॉन्स के बारे में बात करें ये सिस्टम उन लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है जिन्हें हैवी बेस ऑडियो सिग्नेचर चाहिए अपने सिस्टम से आप कोई और सिस्टम लीजिए मैं इस वीडियो में आगे और सिस्टम आपको बताऊंगा उनमें से कोई चूज करिए दूसरी बात ये उन लोगों के लिए भी सही नहीं है जिन्हें बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक सुनना पसंद है ये बहुत ज्यादा लाउड नहीं है ये बहुत ज्यादा फ्लैट है पावर डिस्ट्रीब्यूशन इस सिस्टम में बहुत ही सही और इक्वल प्रोपोर्शन में करा गया है इसलिए आपको सुनने में मजा आएगा आप बहुत ज्यादा तेज सुन के इसमें किसी दूसरे घर को शेक नहीं कर सकते यह उस टाइप का सिस्टम नहीं है इस बात का ख्याल रख के आप इसे ऑर्डर करें क्योंकि इसका प्राइस इस समय है सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज एन आई एम अगेन रिमाइंडिंग ओबेज इस सिस्टम का प्राइस मत बढ़ाइएगा इसके लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसे जरूर चेक करिए अब बात करते हैं बेस्ट होम इन इंडिया अंडर और उसके दो कंटेंडर्स हैं सोनी डी फोर्टी और इसमें सरप्राइजिंगली बट नॉट शॉकिंगली बेस्ट सिस्टम है फिलिप्स एट थाउजेंड बी फिलिप्स के इस सिस्टम के अंदर आपको पांच स्पीकर चैनल्स मिलते हैं जो कि प्लास्टिक के बने हैं लेकिन ये प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी है और ज्यादा वॉल्यूम पे ये स्पीकर हिलते नहीं है आप इन सभी स्पीकर भी कर सकते हैं और इनकी वॉल माउंटिंग ऑप्शन भी अच्छी है इस सिस्टम में आने वाला सब ओफर वुड का बना है और इसके फ्रंट पे आपको बहुत अच्छा सर्कुलर डिजाइन में एक डिस्प्ले देखने को मिलता है और उसके चारों तरफ आपको कंट्रोल बटन देखने को मिलते हैं जिनका रिस्पांस काफी टेक्टाइल है

जो कि मेरी पूरी उम्मीद है कि अगर मैं यूज करूं तो मैं रख के इसे कहीं भूल सकता हूं इस के साइड में आपको USB और और कार्ड रीडर दिया गया है और बाकी कनेक्टिविटी आपको की बैक साइड पे देखने को मिलेंगी ऑल एंड ऑल मैं इस सिस्टम की बिल्ड क्वालिटी को कहूंगा अब एवरेज और इसके डिजाइन को कहूंगा फैंटास्टिक फिलिप्स एट बी के अंदर आपको 3 इंच और 4 ओम्स के पांच फुल रेंज स्पीकर्स मिलते हैं जिनका आउटपुट है 15 वॉट पर सैटेलाइट और साथ ही इसके अंदर आपको 8 इंच और 4 ओम्स का एक सब मिलता है 45 फाइव वॉट का और इस सिस्टम का टोटल आउटपुट बनता है 120 ट्वेंटी वॉट इस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी रेंज है 20 हर्ट से लेके 20 किलो हर्ट और ये वाकई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है कि फिलिप्स का ये सिस्टम 20 हर्ट्ज से बेस प्रोड्यूस कर रहा है और इसकी सेपरेशन है मोर देन इक्वल टू 35 डेसिबल्स ये सिस्टम 60 डेसिबल्स की एसएनआर के साथ आता है फिलिप्स 8000 बी वे करता है 9.5 केजी और कनेक्टिविटी की बात करें तो इसके अंदर आपको यूएसबी एसडी कार्ड ऑक्स और ब्लूटूथ 4.1 की सपोर्ट देखने को मिलेगी फिलिप्स के इस सिस्टम के साउंड स्टेज की बात नहीं करी जा सकती इसके अंदर मैं आपको यह बता सकता हूँ कि आपको इसके सराउंड चैनल्स की वायर लेंथ मिलती है अप्रोक्सीमेटली 4.7 पॉइंट सेवन मीटर ईच चलिए अब इस सिस्टम का ऑडियो टेस्ट करके देखते हैं कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है जैसे कि मैंने आपको बाकी सिस्टम्स के अंदर भी बताया कि इस सिस्टम के भी आपको ऑडियो सैंपल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे आप उसे जरूर चेक करिए इस सिस्टम को आज से लगभग दो साल पहले मैंने एक बहुत छोटी सी शॉप में जाके टेस्ट किया था और उसके बाद एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो को आपने बहुत ज्यादा पसंद किया और इस सिस्टम को भी बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया आज देखिए वक्त है कि मैं इसी सिस्टम को खरीद के आपको रिव्यू कर रहा हूं और इसे फिर से बहुत बढ़िया सिस्टम बता रहा हूं गेट रेडी टू बी सरप्राइज बाई द्वालिटी ऑफ दिस्टम इतना सरप्राइज करेगा आपको यह ऑडियो सिस्टम कि आप देख कर दंग रह जाएंगे बहुत शानदार बेस और बहुत ही अच्छे मिड्स और बहुत ही शानदार ट्रेबल यानी हाइज आपको इस सिस्टम में देखने को मिलेंगी इसके साइज पर मच जाइए बट दिस सिस्टम रियली आउट परफॉर्म्स ये बहुत ही अच्छा फाइव पॉइंट वन सिस्टम है आप इससे ऑडियो सेपरेशन यानी चैनल सेपरेशन प्लीज एक्सपेक्ट मत करिए ये बजट होम थिएटर हैं, इनमें चैनल सेपरेशन आपको नहीं देखने को मिलेगी लेकिन ऑडियो सेपरेशन जिसे कहा जाता है लेट्स से इंस्ट्रूमेंट्स की ऑडियो आपको अलग अलग सुनाई दे वो आपको इस सिस्टम में सुनाई देगी विद स्लाइटली हैवी बेस साउंड सिग्नेचर दूसरी बात जो आपको इस सिस्टम के बारे में जाननी चाहिए वो ये है कि आपको 4.7 पॉइंट मीटर्स की वायर मिलेगी सराउंड चैनल्स की यानी आपका जो साउंड स्टेज बनता है इस सिस्टम का वो 4.7 पॉइंट मीटर्स दूर आप बना सकते हैं और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जब आप सराउंड चैनल इस सिस्टम के लगाएं तो वो ईयर लेवल के ऊपर जस्ट ऊपर ऐसे लगाने चाहिए ताकि आपको प्रॉपर इफेक्ट सुनने को मिले और अगर आप इस तरीके से सराउंड चैनल्स को लगाएंगे तो आपको एक वर्चुअल सराउंड साउंड सुनने को मिलेगी एंड रिमेंबर मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में भी बताया था कि सराउंड साउंड आपको किसी भी सिस्टम में देखने को नहीं मिलेगी जो लेट्स से दो लाख या उससे ऊपर के सिस्टम होते हैं उनमें मिलेगी इसीलिए आपको वर्चुअल सराउंड साउंड कह रहा हूं यह सिस्टम बहुत ही शानदार है 5.1 के अंदर बजट कैटेगरी के अंदर आई थिंक दिस इज बेस साउंड सिग्नेचर एंड विद एवरीथिंग ट्यून्ड टू परफेक्शन यानी आपको अच्छे मिड्स और अच्छे हाइज दोनों आपको इस सिस्टम में देखने को मिलेंगे और आप इसे टीवी के साथ कनेक्ट करके जो वोकल्स हैं उन्हें भी बहुत अच्छे से सुन पाएंगे कि इस सिस्टम की कुछ खास कॉन है नहीं इस सिस्टम के लेकिन एक छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट है मुझे फिलिप्स से जो पहले मुझे देखने को नहीं मिली लेकिन अब मिल रही है अब फिलिप्स ने इस सिस्टम के सबूफर और स्पीकर्स के बेस पे जो रबर्स लगाए हैं उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है अगर आप उसे किसी शाइनी मटेरियल पे रखेंगे जैसे शाइनी आपका सनमाई का लगा है या किसी टाइप के शाइनी मटेरियल पे रखेंगे तो उस पर आपको स्टेन्स देखने को मिलेंगे यानी थोड़े से निशान रबर छोड़ता जाएगा काले रंग के विच इज़ नॉट अ वेरी वेरी गुड थिंग इसके अलावा आपको इस सिस्टम में किसी टाइप की परेशानी देखने को नहीं मिलेगी एंड आई थिंक अगर आपको स्लाइटली हैवी बेस साउंड सिग्नेचर चाहिए नाइन थाउजेंड रुपीज के अंदर जो ये सिस्टम की कॉस्ट है ये एक परफेक्ट ऑडियो सिस्टम है और इसके लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं आप इसे जरूर चेक करिए क्योंकि ऐसा मैंने किसी और ब्रांड में इस में इस बजट नहीं देखा बेस्ट होम थिएटर्स इन इंडिया अंडर नाइन थाउजेंड रुपीज के मेरे दूसरे ऑप्शन के कंटेंडर एफ एन डी टी थर्टी फाइव एक्स और ओबेज डी टी टू सिक्स जीरो और उसमें बहुत ईजिली क्लियर विनर है

बाकी सभी कनेक्टिविटी ऑप्शन बेस ट्रेबल और वॉल्यूम के कंट्रोल नॉब्स और पावर ऑन ऑफ स्विच देखने को मिलेगा 2605 का साइज बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन इसका वेट बहुत ज्यादा है और उसका कारण यह है कि ओबेज ने इस सिस्टम में भी 8 एम एम वुड का यूज किया है और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वुड कैबिनेट से ऑडियो क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है और स्पीकर बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं ओबेज के के इस सिस्टम अंदर मुझे सिर्फ एक चीज की इंप्रूवमेंट का स्कोप दिखाई दिया और वो है सब के ऊपर लगा हुआ मैश क्लॉथ यानी कपड़ा ये चीज बहुत छोटी है लेकिन आई थिंक ओबेज इसे इम्प्रूव करके इस सिस्टम की ओवरऑल लुक को और ज्यादा एनहेंस कर सकता है इस सिस्टम के एक्टिव टावर की बैक साइड पे आपको पैसिव टावर को कनेक्ट करने के लिए इनपुट ऑप्शंस देखने को मिलेंगी और पैसिव साइड बिल्कुल क्लीन दी गई है ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से इस सिस्टम की लुक्स और बिल्ड क्वालिटी इज अगेन टॉप नॉच एक्सेप्ट सबवूफर के ऊपर लगा हुआ मैश फैब्रिक 2605 के बॉक्स में आपको साथ में RCA टू RCA RCA टू ऑक्स और ऑक्स टू ऑक्स केबल साथ में मिलेगी और वही स्टैंडर्ड रिमोट कंट्रोल देखने को मिलेगा जो आपको हर ओबेज सिस्टम में देखने को मिलता है ओबेज DT2605 के अंदर आपको 3 इंच के 4 फुल रेंज स्पीकर्स मिलते हैं 2.5 इंच के दो ट्विटर मिलते हैं और 6.5 इंच के दो सबर मिलते हैं इनका टोटल आउटपुट है 50 टावर जो बनता है टोटल 100 Watt, और इस सिस्टम का है 80 ये सिस्टम का है 40 हर्ट्ज से लेके 17 किलो हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के साथ आता है यह सिस्टम बहुत हैवी है 21 वन किलोग्राम के वेट के साथ आता है और इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आपको यूएसबी एस डी कार्ड ऑक्स एफ एम रेडियो और ब्लूटूथ फाइव पॉइंट ओ की सपोर्ट देखने को मिलेगी और कनेक्टिविटी ऑप्शन में जहां पे मैं सरप्राइज हुआ वो है इस सिस्टम में मिलने वाला ऑप्टिकल पोर्ट यानी अब आप इस सिस्टम को अपने टीवी के साथ ऑप्टिकल पोर्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं और इन दोनों टावर्स को आप 2.5 मीटर तक एक दूसरे से दूर रख सकते हैं यानी इसका साउंड स्टेज है 2.5 पॉइंट फाइव मीटर्स चलिए अब इस ओबेज सिस्टम का ऑडियो टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसी ऑडियो प्रोड्यूस करता है याद रखिए दोस्तों इस ओबेज के सिस्टम के भी आपको ऑडियो टेस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे उन्हें जरूर सुनिएगा इस सिस्टम के रिव्यू के लिए मुझे इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आई है जिसका मैं हिसाब नहीं लगा सकता अब आपको बताता हूं इसके अंदर आपको कैसा ऑडियो सिग्नेचर देखने को मिलता है अगर आप हैवी बेस के शौकीन हैं आंख बंद करके इस सिस्टम को लीजिए एंड यू विल लव दिस इतनी ज्यादा बेस इतनी पंची बेस आपने किसी और सिस्टम में नहीं सुनी होगी इस प्राइस रेंज तक यह ऐसा सिस्टम है कि एक्चुअली में आपके रूम को और आपके घर को हिला के रख देगा अगर आपने इसे फुल वॉल्यूम पे चला दिया तो बट अंडरस्टैंड इट केयरफुली यह हाउस पार्टी के लिए नहीं बनाया गया है इस सिस्टम के अंदर आपको बहुत ज्यादा लोअर बेस मिलती है मैंने आपको लोअर बेस का मतलब ऑलरेडी इस वीडियो में समझाया है कॉल्ड एक्चुअल बेस जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं इस सिस्टम के ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सिस्टम के अंदर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन करी गई है देखिए किसी भी सिस्टम के अंदर आपको एक पावर मिलती है लेट्स से हंड्रेड हंड्रेड एंड फिफ्टी वॉट उस पावर के अंदर आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है उससे डिसाइड होता है कि सिस्टम का ऑडियो सिग्नेचर क्या है इस सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा पावर दी गई है लोअर बेस में एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम मिड्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि स्पीकर अच्छे हैं लेकिन हाईज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती अगर इसमें ट्विटर्स मौजूद ना होते तो इसके अंदर ट्विटर देने की वजह से ओबेज ने इस सिस्टम के अंदर हाईस को भी बहुत शानदार प्रोड्यूस कर दिया है अब इस सिस्टम की क्वालिटी सुनिए आप जब लोअर वॉल्यूम पे यानी से फाइव टू टेन परसेंट वॉल्यूम पे इस सिस्टम को जलाएंगे तो आपको बहुत ही शानदार बेस भी मिलेगी मिड्स भी अच्छे मिलेंगे और आपको इसके अंदर हाई नोट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे एक और पॉइंट आपको बताता हूं इफ यू आर आ सॉफ्ट म्यूजिक लवर लेकिन आपको उसके अंदर भी थोड़ी सी बेस अच्छी चाहिए लेट्स ए कवाली आपको उसके अंदर अच्छी बेस भी चाहिए आपको तबला जब बजे तो उसकी भी आवाज अच्छी सुननी है और आपको इंस्ट्रूमेंट्स की सेपरेशन भी सुननी है आपको यह सिस्टम वो डिलीवर करेगा और वो कैसे करेगा क्योंकि इसके अंदर बहुत शानदार सव्वुफर का यूज हुआ है और उसी के साथ साथ जो ट्विटर यूज हुआ है उससे यह कमाल हो पा रहा है मैं बार बार कह रहा हूं अगर इसके अंदर ये ट्विटर ना होता तो ये सिस्टम कुछ भी ना होता इसके अंदर वो हाई नोट्स निकल ही नहीं पाते एंड यही कमाल है इस सिस्टम का कि इसके अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्विटर बहुत शानदार तरीके से बैलेंस करे गए हैं एंड एक और बात इसके अंदर जो आपको साउंड स्टेज मिलता है वो बहुत ही शानदार 2.5 मीटर्स का है यानी एक दूसरे के साथ स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए एक्टिव और पैसिव स्पीकर को आपस में कनेक्ट करने के लिए आपको 2.5 मीटर की वायर मिलती है यानी 2.5 मीटर जब आप इन दोनों सिस्टम्स को दूर रख देंगे आप चाहे उसे पास रखें चाहे आप उसे दूर रखें अप टू 2.5 मीटर तो भी ये सिस्टम उसी तरीके से साउंड करेगा और आपको वही इंटीग्रेशन देगा आपस में ऑडियो की जो आपको मिलनी चाहिए याद रखिए दोस्तों कभी भी जो स्पीकर की वायर आपको दी जाती है किसी भी सिस्टम में उसे कभी भी बढ़ाना नहीं चाहिए और वो यही रीजन होता है कि जब दो स्पीकर आपस में इंटीग्रेट नहीं करेंगे स्पीकर वायर बढ़ाने के बाद तो वो मज़ा आपको ऑडियो में मिलेगा ही नहीं एंड 2.5 पॉइंट फाइव मीटर आई थिंक इज मोर देन एनफ फॉर दिस सिस्टम 2605 का सबसे बड़ा कौन ये है कि ये बहुत ज्यादा हैवी है हाँ आई नो दैट आप इसको उठा के घूमने वाले नहीं हैं लेकिन आई थिंक आपको पता तो होना ही चाहिए कि इसका वेट 21 वन के जीज है एंड दैट इज टू मच इसके अंदर 8 एम एम सॉलिड वुड का यूज किया गया है और ये एम इतनी सॉलिड है उसकी वजह से इसका बहुत ज्यादा वेट है विच इज अ गुड थिंग क्योंकि इसके अंदर से जो बेस प्रोड्यूस हो रही है उसके लिए ऐसी रिक्वायरमेंट है बट येस इट इज वेरी हैवी एंड दूसरी बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं दिस इज नॉट मेंट फॉर हाउस पार्टीज आप इसके अंदर जो ऑडियो पाएंगे वो आई थिंक इनफ है 200 टू 225 स्क्वायर फीट के रूम के लिए लेकिन ये पार्टी के लिए अच्छे स्पीकर्स नहीं है उसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा और मैं आपको एक शानदार पार्टी स्पीकर बताऊंगा बट दिस सिस्टम इज प्राइस एट सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड राइट नाउ और ये एक बहुत शानदार सिस्टम है इस प्राइस में और इसके लिंक्स मैंने आपको दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप इस टाइप का सिस्टम लेना चाहते हैं इसे जरूर चेक करिए दोस्तों बेस्ट होम थिएटर अंडर टेन थाउजेंड नहीं इसे थोड़ा सा बढ़ाते हैं अंडर इलेवन थाउजेंड रुपीज और उसके अंदर सिर्फ एक ही कंटेंडर है और उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता मैं बात कर रहा हूं एफ के टी की और यही एक अकेला विनर है T60X के अंदर आपको दो टावर स्टाइल स्पीकर्स देखने को मिलते हैं और ये वुड के बने हैं इन टावर्स में आपको चारों तरफ मैट फिनिश देखने को मिलती है लेकिन फ्रंट पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है विच लुक्स रियली प्रीमियम इन टावर्स के फ्रंट पे आपको दो दो स्पीकर्स और स्पीकर देखने को मिलेंगे और इनके साइड पे आपको एक सब यूनिट भी देखने को मिलेगा जो बाहर की तरफ उभरा हुआ नहीं है और पूरा कैबिनेट के अंदर मर्ज है वेरी गुड थिंग एक्टिव टावर के साइड पैनल पे आपको सारी कनेक्टिविटी ऑप्शन देखने को मिलेंगी इसमें सबसे पहले आप नोट करेंगे दो माइक के कंट्रोल्स क्योंकि टी सिक्सटी एक्स के साथ आपको कैरियो के कंट्रोल मिलता है आप इस सिस्टम में दो माइक्स लगा सकते हैं और उन दोनों को अलग अलग रेगुलेट भी कर सकते हैं और इन बटन से आप सारी इनपुट ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं इसी टावर की बैक साइड पे आपको रिमेनिंग कनेक्टिविटी ऑप्शंस देखने को मिलेंगी और पैसिव टावर को कनेक्ट करने के लिए इनपुट ऑप्शन देखने को मिलेगी टावर के फ्रंट साइड पे आपको एक एलसीडी डिस्प्ले दिया गया है जिसमें आपको वॉल्यूम और इनपुट ऑप्शंस का डिस्प्ले देखने को मिलेगा पैसिव टावर की बैक साइड में भी आपको सिर्फ एक्टिव टावर से कनेक्ट करने के लिए इनपुट ऑप्शन ही देखने को मिलेंगी और उसके अलावा बैक को क्लीन रखा गया है टी सिक्सटी एक्स के बॉक्स के अंदर आपको आर टू आरसीए आर सी ए टू ऑक्स और दोनों स्पीकरस को आपस में कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिंग वायर साथ में देखने को मिलेगी इस रिमोट कंट्रोल के साथ ये रिमोट कंट्रोल फुल्ली फंक्शनल तो नहीं है लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और इसके साथ आपको इसकी बैटरीज भी देखने को मिलेंगी जो और एक चीज़ इस बॉक्स में साथ में मिलती है वो है ये माइक्रोफोन ये माइक बहुत शानदार बिल्ड क्वालिटी का नहीं है प्लास्टिक का बना है लेकिन डिसअपॉइंटिंग बिल्ड क्वालिटी का भी नहीं है वायरलेस माइक है और बैटरी ऑपरेटेड है और इसमें आपको दो डबल ए सेल्स लगाने पड़ेंगे जो आपको बॉक्स में साथ में नहीं मिलते इस माइक की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा शानदार नहीं है और ये हमें एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए क्योंकि 110 एंड वॉट के ऐसे सिस्टम के अंदर आपको कैरियो की फीचर मिल रहा है दैट इज मोर देन सफिशियंट ओवरऑल अगर मैं बिल्ड क्वालिटी और लुक्स को रेट करूं तो टी बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी और अच्छी लुक्स के साथ आता है Fender T60X के अंदर आपको वन इंच के दो ट्विटर्स देखने को मिलते हैं और एट इंच के दो सब देखने को मिलते हैं और इनका आउटपुट बनता है फिफ्टी फाइव वॉट ईच टावर जो कि टोटल होता है वन हंड्रेड टेन वॉट्स इस सिस्टम की एस एन आर है 70 डेसेबल्स और सेपरेशन है ग्रेटर देन इक्वल टू 45 फाइव और एफ एन डी टी सिक्सटी एक्स का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस भी बहुत इंप्रेसिव है 20 हर्ट से 20 किलो हर्ट टी सिक्सटी एक्स भी बहुत हैवी है 18.5 केजीज फाइव वे करता है और कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको ऑक्स यूएस बी ऑप्टिकल पोर्ट जो कि बहुत अच्छी बात है ब्लूटूथ फोर और दो माइक इनपुट्स भी मिलते हैं यानी इसके अंदर आपको कैरियो के फीचर भी मिलता है और इसके साथ आपको एक माइक भी साथ में फ्री मिलेगा यह एक वायरलेस माइक है और इस सिस्टम के साथ बहुत इजीली पेयर हो जाता है T60X के अंदर आपको NFC की सपोर्ट भी देखने को मिलेगी लेकिन मैंने NFC को टेस्ट नहीं करा क्योंकि मेरे पास कोई भी NFC कंपैटिबल डिवाइस नहीं है और अगर साउंड स्टेज की बात करें तो T60X का साउंड स्टेज है 2.5 पॉइंट फाइव मीटर विच इज वेरी गुड चलिए अब T60X का एक अच्छा सा ऑडियो टेस्ट करते हैं और आपको मैं ये दिखाता हूँ कि ये कैसा साउंड करता है अब बात करते हैं टी सिक्सटी एक्स की ऑडियो क्वालिटी के बारे में एक ही वर्ड बोलूंगा ब्रिलियंट एंड इट इज लाउड ऑल्सो इतना शानदार सिस्टम है ये कि अगर आप इसे सुनना शुरू करेंगे लोअर वॉल्यूम पे भी तब भी आपको इसकी बेस बहुत अच्छी सुनाई देगी मिड्स और हाईस के अंदर किसी टाइप का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा गया है मतलब मैंने इसको मैक्सिमम सबसे ज्यादा सुना है सिक्स वॉल्यूम पे एंड इसकी मैक्सिमम वॉल्यूम है थर्टी इमेजिन सिक्स वॉल्यूम पे इतनी शानदार बेस इतने अच्छे मिड्स और इतने अच्छे हाइज हमें इस सिस्टम से देखने को मिलते हैं ये टावर स्पीकर्स आर परफेक्ट फॉर हाउस पार्टी आप इसे लगा के अपने घर में एक छोटा मोटा फंक्शन या अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे देन एवरी बॉडी विल फील लाइक अ डांस फ्लोर एक दो और प्रो आपको इस सिस्टम के बताता हूं टी सिक्सटी एक्स के अंदर जो कैरे ओके है वो भी बहुत शानदार तरीके से काम करता है ये इस प्राइस रेंज के हिसाब से बेस्ट है आप इसे कंपेयर ना करें ट्वेंटी फाइव या थर्टी थाउजेंड रुपीज के पार्टी स्पीकर के साथ वो और ये कंपेरेबल नहीं है टेन से ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज की रेंज के अंदर आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसा सिस्टम है जो इसे बीट कर सकता है मैं इस सिस्टम को फेंडा के ही यानी एफ के ही टी सेवेंटी से भी ज्यादा बेटर कहता हूं इस सिस्टम के अंदर जो कैरियो के फीचर है उसके बारे में एक बात ध्यान रखिएगा जब भी आप कैरियो के फंक्शन को यूज कर रहे हैं उस समय जो साउंड की आउटपुट आपको इस सिस्टम से मिलेगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी एंड दैट इज एप्सल्यूटली नॉर्मल ऐसा ही होता है साउंड आउटपुट थोड़ी कम होगी तो ही ये स्पीकर कैरेओ के ऑडियो को डिलीवर कर पाएगा एंड दिस सिस्टम डिलीवर्स कैरेओ के एंड साउंड परफेक्टली बैलेंस्ड मैनर जो एक बहुत अच्छी बात है एक छोटा सा कॉन जो मुझे इस सिस्टम में लगा वो ये है कि इस सिस्टम के अंदर एफ की रिसेप्शन बहुत शानदार नहीं है ये कॉन मेरे लिए तो बहुत बड़ा कॉन नहीं है लेकिन अगर आपके लिए भी नहीं है तो इसके लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं आप उसे जरूर चेक करिए क्योंकि ऐसा सिस्टम मेरे हिसाब से इससे टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड रुपीजा में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स जो आप खरीद सकते हैं इलेवन था के आसपास याद रखिए जितने भी होम थिएटर सिस्टम्स मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं और उनके ऑडियो सिग्नेचर्स को एक्सप्लेन किया है उन्हें आप सिर्फ तभी समझ सकते हैं जब आप उन ऑडियो सैंपल्स को सुने जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं उन रिकॉर्डिंग्स को सुनने के बाद आप मेरे वीडियो को दोबारा देखें और आपको अंदाजा होगा कि जो जो मैंने ऑडियो सिग्नेचर के बारे में बोला है वैसा ही आपको सॉन्ग सुनाई दे रहा है उससे आप एक बेस्ट होम थिएटर सिस्टम अपनी जरूरत और अपनी चॉइस के हिसाब से खरीद पाएंगे और कैसा लगा आपको मेरा यह वीडियो यह जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में और अगर आपका कोई सवाल है होम थिएटर सिस्टम से रिलेटेड तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में और एक बात और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरी होम थिएटर की रेकमेंडेड लिस्ट भी मिलेगी उसे भी जरूर चेक करें उसके अंदर वो सारे सिस्टम्स हैं जो मैं रेकमेंड करता हूं और एक भी वो सिस्टम नहीं है जिसे मैं रेकमेंड नहीं करता उससे भी आपकी काफी हेल्प होगी और मैं आपको बहुत ही जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला हूं जल्दी मिलता हूं